ये देखिए, मैंने मशरूम और ब्रोकली की एक हेल्दी सब्जी बना रही हूँ। बहुत मसालों का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल सब्जी है। तो मशरूम काट लिया है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसको काट के रख लिया है। अदरक को ग्रेट किया है, लहसुन को काट लिया है महीन, दो प्याज है और ये स्प्रिंग अनियन है, और ये वो है ब्रोकली है। और इन्हीं के साथ मैं एक सब्जी बनाऊंगी, और स्टर फ्राई एकदम सूखी सब्जी होगी, और बहुत ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी। आप चाहें तो बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, बटर में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बटर थोड़ा नुकसान करता है, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी। और कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी। कढ़ाई गर्म हो जाएगी, मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी, और उसमें को कैसे बनाना है ब्रोकली की सब्जी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून करीब ऑलिव ऑयल। और ब्रोकली की सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है, और मशरूम भी बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। और बस जैसे ही थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा, इसमें जरा सा जीरा डालेंगे। जीरा ना भी डालें तो चलेगा, लेकिन मैंने डाला है, मुझे इसका फ्लेवर पसंद आता है। और ये अदरक लहसुन डाल दीजिए महीन कटा हुआ। ये देखिए, और इसको 2-3 मिनट तक आप भूने। भूनने के बाद इसमें जैसे बहुत लाल नहीं करना है, नहीं तो लहसुन का जो फ्लेवर है वो चला जाता है। तो गोभी और मशरूम की और हरी प्याज के साथ सब्जी बन रही है, उसमें नॉर्मल प्याज भी डालेंगे और ग्रीन स्प्रिंग अनियन भी डालेंगे। तो दोनों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और बहुत ही सिंपल सब्जी है। आप एक बार दोनों को इस तरह से मिला के बना के देखें कैसी लगती है। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी, मैंने 2 प्याज डाले। प्याज ज़्यादा डालें, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन और अदरक और प्याज के साथ बनी हुई सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, थोड़ा सा ये लाल हो गया प्याज, प्याज देखिए थोड़ा सा लाल। अब इसी स्टेज पे मशरूम डाल देंगे। मशरूम डालने के बाद अब इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से आप इसमें हल्दी ना डालें तो ना चाहे तो ना डालें, बहुत से लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हल्दी की, और ना कोई ज़्यादा मसाले, बस कुटी हुई काली मिर्च लास्ट में पड़ेगी। और ब्रोकली तो बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसको ऐसे थोड़ा देर चला के, और ये क्योंकि अपना पानी छोड़ेगा तो स्लो फ्लेम करके, और गैस को इसमें कढ़ाई को थोड़ा सा ढक देंगे। ये देखिए, अब मशरूम आधे करीब करीब पक गए हैं ना, ये देखिए काफ़ी गल गए हैं, बहुत जल्दी पक जाता है इन सब चीज़ को पकने में। उसी स्टेज पे ब्रोकली डाल देंगे। ये देखिए, मैंने ब्रोकली डाल दी है। अब ब्रोकली डाल के और कुछ 2-3 मिनट पकाएंगे बस, और उसके ऊपर से कुटी हुई काली मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल देंगे, और बस गैस बंद कर देंगे, और इसको सर्व कीजिए। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए। अब जिसको लाल मिर्च का पसंद हो कि ज़्यादा तीखा खाना, तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने हरी मिर्च डाली है, कुटी काली मिर्च, तो उससे ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर जिसको पसंद हो तो वो लाल मिर्च भी डाल सकता है, पिसा धनिया भी डाल सकता है, मसाले भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। इसको आप एज अ रोटी चपाती से भी खा सकती हैं, एज अ सैलड भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही बढ़िया लाजवाब सब्जी। नमस्कार, बस मेरी सब्जी तैयार है। अब कितनी बढ़िया बनी है, इस पर काली मिर्च छिड़क देंगे कुटी हुई बस, और अगर लाल मिर्च पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। नमस्कार, मेरी मशरूम और उसकी ब्रोकली की सब्जी बन गई है। अब ऊपर से हरा प्याज थोड़ा सा डाल देंगे और इसको चलाएंगे, चला देंगे 2 मिनट तक, बस ऐसे बनाए भूने, और बन के तैयार। बहुत ही लाजवाब टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। आपको कैसी लगती है आप एक बार बना के देखें, और मुझे कमेंट करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नमस्कार। ये देखिए, कितनी बढ़िया स्प्रिंग अनियन और मशरूम के साथ सब्जी तैयार हो गई है। अब इसी तरह से आप भी एक बार बना के देखें और बताएं हमें कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।